वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। दोस्तों देखिए, एक मुसलमान लड़की महाराष्ट्र से अयोध्या तक पदयात्रा कर रहे हैं प्रभु रामलला के दर्शन के लिए। वो बताते हैं कि हम सनातनी मुसलमान हैं। उनका मानना है प्रभु श्री राम सबका भगवान है। उनका सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हर घड़ी उनके साथ दो पुलिसकर्मी मुतयन है, क्योंकि कुछ मुसलमान के ठेकेदार इस पदयात्रा में नाराज हैं, इसीलिए शबनम से कुछ सुरक्षा दिए जा रहा है। अयोध्या में रामलला का मंदिर संपूर्ण हो गया है। जनवरी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा। सुनिए क्या कहते हैं शबनम से। और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर, और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहे, हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आए, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा। तो मैंने सोचा यार, लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है, जो सिर्फ सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी के रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ, और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, विरोध कौन कर रहा है मुझे तो ये पता नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि वो विरोध देख सके। हाँ, सोशल मीडिया पर हमें कॉमेंट्स में थोड़े बहुत मैसेजेस में हेट मिलते, लेकिन उस हेट को हम थोड़ा सा साइड में रख देते, क्योंकि उससे 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना मतलब हमें प्यार मिल रहा है, तो हम वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान देते। रही बात जाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। मैंने देखा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, राम जी का सीरियल आया करता था, वो बहुत ही फेमस सीरियल है, मतलब हम मार करते थे देखते, भाई रामायण लगने वाला, हमें देखना है, हम पूरा देखते थे। और हम काफ़ी ज़्यादा घर पे भी राम जी को लेके चर्चा करते हैं कि अरे राम, हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते थे अयोध्या के रिलेटेड, अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा, अरे ये एक छोटी छोटी चीज़ें देखते थे, तो वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी। और वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल जगह है, तो हम दो, उसका दो पहलू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ मस्जिद भी बन रही है, और मस्जिद में लड़कियों को अलाउ तो है नहीं, लेकिन उस जगह पर जा कर के हम वो भी चीज़ दिखाएंगे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, तो हमारे भारत देश में बन रही है, वो भी अयोध्या में बन रही है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये कार्य करने का मौका मिला है, और जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबका, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मौका मिल रहा है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिला है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से मैं पहली हूँ जो पैदल यात्रा कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सच में बहुत लकी हूँ। मुसलमान के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश इंडोनेशिया का मुसलमान अपने नाम के आगे राम लगाते हैं, और भगवान रामलला का पूजा ही करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस लड़की का यात्रा सफल है। वंदे मातरम। जय श्री राम। वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय
श्री